जैसा कि पेशन गोई के अहम मुताबिक आज सुबह कराची में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, फिर कराची के कुछ इलाकों में बारिश की वो डेवलपमेंट को खास नहीं रही, फिर शाम के औकात में एक और डेवलपमेंट इसने कराची में बारिश बचाई, मेरे इलाके में भी बारिश हुई, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, लेकिन अचानक से ये जो बारिश हुई कराची में कड़कती बिजली के साथ गरज चमक के साथ बारिश हुई है, इसकी वजह ये थी कि लो प्रेशर अचानक कराची के करीब आना और थंडर स्टॉर्म की डेवलपमेंट कराची के बिल्कुल बराबर में हुई, जिसकी सूरत में शहर में बारिश हुई। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं बारिश मेरे यहाँ रुक गई, लेकिन आप लोग देख सकते लाइटनिंग स्ट्राइक इस वक्त गुलिस्तान जो में काफ़ी होने हैं और मुख्तलिफ इलाकों में कहा जा रहा है कि सुबह जो डेवलपमेंट हुई बिजली भी गिरी है और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी यहाँ मुअत्तल हो गई थी। सुबह अभी ब्रेक डाउन होता लेकिन अभी दोबारा ब्रेक डाउन हुआ है। सर आप लोग देख सकते काफ़ी कड़क रही है बिजली से कराची में और जो थंडर सेल्स है वो अब आगे की जाने बढ़ रहे हैं, मतलब और जो कराची के पूरे शहर में वो फैला हुआ है। इस वक्त गुलिस्तान गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर और जो बाकी इलाके सदर तारिक रोड और मलिका इलाकों में बारिश हो रही है। ऐसे मेरे इलाके में बिजली चमक रही है, आप लोगों के इलाके में क्या स्थिति आ रही है मुझे अपडेट करें प्लीज़। बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन का जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। शहर में कल भी बारिश का इम्कान है और कल ज़्यादा चांसेस है, आज रात से कल ज़्यादा शहर में हो सकता है ये हवा का कम दबाव कराची को हिट मार दे तो शहर में काफ़ी मूसलाधार बारिश हो सकती है। कल मैं आप लोगों को लम्बा बे लम्बा टाइमली अपडेट करता रहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आज दोबारा हाजिर रहूँगा।